जीरो या कॉस पाई बाई टू दैट मीन थीटा पाई बाई टू, अर्थात दो सदिश लंबवत हो तो उनके सदिश का परिणाम, जैसे मान लीजिए ये मॉड लगा लें टेन आ गया तो इसका भी मॉड लगाएंगे तो टेन ही आएगा, ऐसा यहाँ दिखाई जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत हैं जो आपको ध्यान देना होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसी तरह से घटाने में भी जो है आप कर सकते हैं। सदिश योग में ये भी बताया गया है कि सदिश योग जो है किसका फॉलो करता है, तो आप जानते हैं क्रम विन्मेय नियम का, सहचर्य नियम का और वितरण नियम का पालन करता है। जैसे हमने कहा ये कम्यूटेटिव लॉ का, एसोसिएटिव लॉ का और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉलो करता है। तो इसमें इसको दिखा दे रहे हैं जो एप्लीकेशन के रूप में है रूल्स, तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी, अब इसका मे बी बी प्लस ए, तो इसको क्रम विन्मेय कम्यूटेटिव लॉ के रूप में है, या आप a प्लस बी प्लस सी सहचर्य नियम के लिए, तो आप ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब इसी में आप फिर से चेंज कर लीजिए, ए क्रॉस बी प्लस सी वितरण के नियम में, तो ले सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो कुल मिला के कहा जा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, प्लस के साथ अलग कर लीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट आप इसमें पहले लगा सकते हैं, उसका रिजल्ट वहीं आएगा। यहाँ भी क्रम चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट वहीं आएगा। तो क्या आपको बताया गया कि सदिश योग सदिश नियमों का पालन करता है। तो हम जो ट्रायंगल ला ले रहे थे पैरेललोग्राम ला, आपको अलग से ध्यान नहीं देना है लेकिन फिर भी उसको देख लीजिए। सेकेंड रूल, दोनों में थोड़ा सा केवल एक अंतर है जो हम इसीलिए लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, कि यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की जाए तो उनकी परिणामी सदिश उनके किसी विकर्ण से होकर जाती है। तो टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड एडजेसेंट साइड या अल्टरनेट साइड ऑफ एनी पैरेलोग्राम, देन इट्स रिजल्टेंट विल बी पासिंग थ्रू इट्स डायगोनल, तो आप यहां पर बी लिख सकते हैं और ये डायगोनल है, विकर्ण है, ये दिखाया गया है। आउटर एंगल उसी तरह से, तो यहाँ पर आप हेल्प कर रहे हैं जो एंगल ए और बी के बीच में, जैसे इसको आपने मान लिया थीटा है, ध्यान दीजिए ये भी थीटा के इक्वल आता है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, और इसको आप आर ले सकते हैं। तो ये देखिए वेक्टर रूल फॉलो कर रहा है, आप इनिशियल यहाँ ले रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु लिख भी रहे इनिशियल या प्रारंभिक बिंदु, और ये दे रहे हैं फाइनल या इसका अंतिम बिंदु। तो ये कोई नाम ओ एम पी और एन, ये कोई नाम रख दिया, तो आपने ट्रायंगल ला पढ़ लिया है कि आर जो है इनके वेक्टर सम का इक्वल था, तो यहाँ कुछ अलग से बताने के लिए नहीं होता है। जो हेल्प था जैसे ये थीटा है तो ये इसके इक्वल आता है, और क्या हेल्प है वो ध्यान रखिएगा कि इसमें टू डायगोनल्स है, जैसे आप उसी चल रहे थे M और P पर तो ये डायगोनल मिला, उसी तरह से हम कह रहे हैं कि M से चलिए M O N तो आपको ये डायगोनल मिलेगा इधर से, या इधर से चलेंगे ऐसे तो
तो ये डायग्राम मिलेगा। तो इसको हम ज्वाइन करते रहे, आप इधर से चले थे तो इसका कोई एक एरो इधर दे दे रहे हैं, ये इसको हम आर डैश मान ले रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें इनके मैग्नीट्यूड अगर वो रामबस टाइप का नहीं है डायग्राम इक्वल नहीं होगा। जैसे मॉड ऑफ आर नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ आर डैश, ये देखिए। अर्थात अगर इनके डायग्राम को हम कोई और नाम दे दें, जैसे डी वन लिखते हैं इसको डी टू लिखते हैं, तो आप कह सकते हैं डी वन का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू डी टू। तो यही बस इतने बताना था, और भी इसमें टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे हैं और उनको हम हेल्प कर रहे हैं। देखिए जब वेक्टर्स पुशिंग के डायरेक्शन में हो, ये न्यूमेरिकल के लिए हेल्प है, तो आप इस पॉइंट पर ही जो वेक्टर शो कर रहे हैं वैसे दिखा रहे हैं जैसे इसको पुश किया गया हो, धक्का दिया गया हो। जैसे ये ए है और ये बी है, ये कोई एंगल है। तो जब आप इसका परिणामी या रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे अमाउंट ऑफ ए आर, तो आप यहाँ पर देखिए सॉल्व करते समय तो आपको जो भी प्राप्त हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा कि दो सदिशों के मध्य परिणामी किसी एक दिए गए सदिश के किसी कोण पर होकर दिखाई जाती है और वो एंगल आप यहां से सॉल्व कर लेंगे। ये पुशिंग में है, लेकिन अब आप यहां पर बोलिएगा नहीं कि हम क्या कह रहे हैं पुश करना और पुल करना अलग अलग दिखाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कण को धक्का दिया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, लेकिन अब उसी को जरा देखिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए इस तरह से कोई डायग्राम दे दिया, पुलिंग मतलब खींचना, तो ध्यान देना है कि किसी एक पॉइंट पर सदिश ऐसे दिखाए गए हो जैसे कि उसे ड्रेन किया जा रहा हो, खींचा जा रहा हो। यहां से तो कंफर्म टायर इधर है, तो पुश किया जा रहा था, ड्रेन तो मतलब ये नीचे आप लाएंगे। तो इसका एरो हम चेंज करते हुए जैसे ये कोई वेक्टर है ऐसे दिखा दे रहे हैं यहां तक, इसको आप ऐसे रहने दें। तो इस वेक्टर का नीचे डाउनवर्ड है, तो आपको क्या करना होगा, इसको आगे बढ़ाइए और इस तरह से आगे दिखाइए, इसका टेल यहां पर लाइए, हेड को डाउनवर्ड ले जाइए, इसको अपनी पोजीशन पर रहने दीजिए। तो अब आपको जो एंगल लेना होगा, जो आप एंगल ये ले रहे थे, जैसे अब इसी का अगर रिवर्स होता तो इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर वेक्टर बी को यहाँ लिखते हैं, एंगल इसको लेते हैं, अर्थात ये एंगल जो होगा 180 माइनस थीटा। तो ये आपको ये प्राप्त होता है 180 माइनस थीटा। अर्थात जब इस तरह का कोई पॉइंट दिया जाए जिसमें कि पुल और पुश की बात किया जाए, इसको हम इधर भी दिखाते हैं, जैसे ऐसे ले लीजिए दोनों, फिर एक फिगर देख लीजिए, जैसे कोई पॉइंट है इस पर एक वेक्टर इधर दे रहे हैं, एक वेक्टर यहां से दे रहे हैं, तो देखिए इसको कहा जाएगा कि पुलिंग खींचा जा रहा है, इसको कहा जाएगा पुशिंग। ऐसे में ध्यान दें तो इस वेक्टर के टेल को यहां से लेकर आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे देखिए, या इसको लेकर आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, अगर इस वेक्टर को आगे बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो अगर ये थीटा है पहले से दिया हुआ, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और आपके फॉर्मूले में यहाँ चेंजेज आ जाएगा क्या, 180 माइनस थीटा। तो आप इसके रिजल्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पुश और पुल की कंडीशन हम बहुत अच्छी तरीके से और बताएंगे, तब तक आप तैयारी करें। और इसमें वेक्टर एडिशन में 2 का हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन मोर देन 2 तो पॉलीगन मेथड आप पढ़े होंगे, 2 सदिशों को जोड़ना, 3 सदिशों को जोड़ना, तो 2 से अधिक हम क्या नाम ले रहे हैं, पॉलीगन मेथड।
और उसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे इस तरह से बहुत सारे वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा ये डिस्कशन होता है। तो इनके प्रोसेस तो आपको हमने बताया ही था, जैसे कि रिजल्टेंट जब भी निकालना हो तो कंपोनेंट वगैरह लेने होते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में मान लीजिए कि A1 का कोई पार्ट है तो इसका कंपोनेंट I पर, B1 का कोई कंपोनेंट है अगर X पर है तो X मान लीजिए यहाँ X हो जाएगा, और अगर ये Y पर है तो Y हो जाएगा। इसी तरह से C Z पर है तो यहाँ Z हो जाएगा। तो कंपोनेंट वगैरह लेना आपको बताया जाता है, और सबको एक डायरेक्शन में लेना है तो सबका कंपोनेंट जो है एक ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप X पर रिजॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ I है तो यहाँ भी I हो जाएगा, यहाँ भी I हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कॉमन ले लेंगे। अर्थात आपको जो मिलेगा AX BY CZ I आपने कॉमन ले लिया। इसी तरह से आप RY निकाल लेंगे, वहां पर जो भी वैल्यू होगी इस I के बाद J होगा तो आप यहाँ पर J का लिख देंगे। आर जे का अगर मान लीजिए है साथ में तो ये कोई वैल्यू होगी और वहां पर ये K होगा। फिर उनको वैसे सॉल्व कर लीजिए जैसे आपको बताया गया था, वेक्टर R, तो RX RY RZ। अब इनमें से जो प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, मॉड वगैरह लेना हो तो आप अंडर रूट करके निकाल सकते हैं। आज आपको हमने वेक्टराइजेशन की बेसिक चीजें बताया। क्वेश्चंस तो अभी स्टार्टिंग है, टाइम लगेगा। बेसिक चीजों में आपको ध्यान क्या देना है, क्रम विनिमेय नियम, सहचर नियम और वितरण नियम तीनों का पालन करता है। और जो आपको अच्छा टॉपिक और जो पॉइंट मिला वो क्या ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज के नियम का फॉलो करते समय अगर वेक्टर के टेल एक जगह ज्वाइन करते हुए दिए जाए, या टेल ये कोई थीटा, तो जब भी आप रिजल्टेंट R या F कुछ भी लिखे ज्ञात करते हैं दिए हुए चतुर्भुजों के लिए, तो आपको थीटा यहाँ इस फॉर्म में दिया जाता है। ये तो रिजल्टेंट इन्हीं के बीच कहीं आ जाता है। अगर वो मान लीजिए अल्फा आ गया, जैसा कि हम पहले भी दिए थे ये आर है, तो अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ए और आर के बीच ले रहे हैं, तो जिनके लिए लिया जाता है उसको छोड़ दीजिए और दूसरे वाले को साइन और उसमें रखा जाता है। जैसे टेन अल्फा आपको निकालना पड़ गया तो एंगल आप इधर ले रहे हैं तो बी का वो कर दीजिए रिजॉल्व करके, और ए के साथ ऐड करके जैसे पहले भी बताया गया लिख सकते हैं। तो आपने देखा या तो डायरेक्ट इस तरह से अगर इधर कहा जाता है तो हम उसी में इसका रिवर्स करके ले लेते हैं। तो पुशिंग और पुलिंग ये ध्यान देना होगा, बहुत अच्छे टॉपिक तो नहीं है फिर भी इस पर न्यूमेरिकल आए हैं वो हम सॉल्व कराएंगे। इसमें आपने देखा इस पॉइंट पर ऐसे था ये, तो आपको हम क्या कहें कि आगे चाहे इसको बढ़ा लीजिए ऐसे। तो अगर आपको अल्फा दिया जा रहा है तो एंगल आपको ये शो करना होगा 180 माइनस अल्फा। अब इसकी कोई रिजल्टेंट या परिणामी आपको याद करनी हो, जैसे ये ड्रा कर रहे हैं तो फिर आप वहीं लिखेंगे मॉड ऑफ आर, जैसे ए अब इसको बी मान ले रहे हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस अल्फा। तो ऐसे रखकर इसको आप सॉल्व करेंगे, दोनों का डिफरेंस ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटे क्वेश्चंस मिस्टेक होते हैं। आपके पेपर को अगर कोई उठाएगा तो कहेगा कि इसमें तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आप भी भूल जाइए ये जो पेपर्स पहले वाले थे मेमोरी बेसिस जो आपको मिलते हैं आपके पेपरों में 60% 80% डिफरेंट आएगा। पहले से बता दे रहे हैं कि अनसॉल्व जो आप TGT या PhD का करते हैं, PGT के कुछ क्वेश्चन TGT में आ जाते हैं, लेकिन रिपीटिशन अब की बार आपको नहीं मिलना है कि आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं। रिपीटिशन में जो चांसेस होंगे मैक्सिमम 15% मैक्सिमम, और नहीं तो नॉर्मल 5 या 10%।
आपको नए क्वेश्चनों के लिए तैयार होना होगा और उसके लिए हम फिर बताएंगे क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं और कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जब आप क्लासेस देते हैं तो बिल्कुल बेसिक चीजें जैसे 9th-10th के बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो, 11th-12th के बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो, तो उन चीजों को लिखा जाता है। हो सकता है आप सब आपको आता हो तो इसमें कोई विशेष टॉपिक आपके लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आते हुए भी जो गलतियां होती हैं वो हम हाईलाइट बार बार कर रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं। पुशिंग मेथड जो मिटा चुके हैं, यहाँ पर पुलिंग, पुलिंग मतलब उसको खींचना, उस मतलब धक्का देना। तो जब दो सदिश खींचने की अवस्था में दिखाया जाए तो आप यहाँ रखकर सॉल्व करिएगा, और उसको धक्का देने की स्थिति में अर्थात दोनों का टेल लेते हुए दिखाया जाए, जैसे ये टेल है ऐसे दिखाया जाए इस तरह से, तो डायरेक्ट आप इसको लेकर जिसमें कि ये नहीं रहेगा यहाँ सीधे थीटा रहेगा। तो आपको ये दो पॉइंट जरूर मिला, इसको जरूर इंडिकेट कर लीजिए, जल्दी में यही गलत होते हैं। और तीसरा क्या था कि इसमें जो साइन रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं आप, ऐसे एक एंगल बन रहा है तो आपको बीच में हम साइन और कोसाइन रूल का डिस्कशन करके समझा रहे थे, जैसे ये ए है बी है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अल्फा या ये बीटा है, तो आप वही ठीक जो ट्रेंगल आप पढ़े हैं उसका साइन रूल आप यहाँ भी ले सकते हैं। जैसे कहा जाए कि साइन, अब इसके लिए ये एंगल देख लीजिए, अगर ये आप ले रहे हैं 180 माइनस थीटा तो इसके सामने ये आर है, इसी तरह से इसमें देख लीजिए इसके सामने या इसकी पोजीशन इस पर आ रही है, तो साइन बीटा अपान ए, इस तरह से आर के लिए हमने शो किया, ए के लिए हो गया, बी के लिए आप इसको ले लीजिए, बी के लिए इसको ले लीजिए। तो इसमें हम प्रयोग करके कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, बाकी ये परपेंडिकुलर कर दीजिए तो वही ट्रायंगल आ गया जो पहले भी बनाए हैं। और इनमें डायगोनल की पोजीशन लेते समय ध्यान रखिएगा, एक प्लस तो दूसरा माइनस में आएगा, तो इसको कहीं मिस्टेक ना हो तो ये लिखा होना चाहिए। तो चलिए आज आपको इतना रहने दे रहे हैं, आप इसको पढ़िए फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन है और फिर हम इसमें डेल ऑपरेटर लेंगे, डाइवर्जेंस, कर्ल थ्योरम और उस पर जो है ग्रेडियंट का भी डिस्कशन किया जाएगा। अच्छे टॉपिक अब आएंगे जो आपके लिए होंगे, और इनमें से जो आ सकते हैं वो पॉइंट हम आपको धीरे धीरे बताते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको रिलेटिव वेलोसिटी पर भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम ब्रेक कराएंगे। तो आज के लिए इतने आप सॉल्व करें।